कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद मामले में पाकिस्तान के सवाल उठाए जाने के बाद भारत ने भी पलटवार किया है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के लगाए गए सारे आरोपों को आधारहीन और झूठा बताया है। भारतीय राजदूत ने पाक को दो टूक में स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख ले। भारतीय राजदूत ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तानी मंत्री के ट्वीट पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार किया है और कहा कि कुछ लोग भारत की समावेशी संस्कृति को बदनाम करने की साजिश के तहत संस्थानों के ड्रेस कोड और अनुशासन के फैसले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकारों को बेशर्मी से कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के समान अधिकार, सम्मान, समृद्धि, सहिष्णुता, सद्भाव और समावेशिता के प्रति भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय राजनयिक को भारत में मुसलमानों के खिलाफ कथित धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता, कलंक और भेदभाव पर पाकिस्तान की गहरी चिंता से अवगत कराया गया। भारत सरकार को कर्नाटक में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और मुसलमान महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्विटर पर कर्नाटक की मुस्लिम लड़की की तस्वीर लगाकर भारत पर निशाना साधने की कोशिश की है। इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। दुनिया को यह समझना होगा कि भारत में मुसलमानों के दमन की योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी के भारत पे जो कुछ चल रहा है वह डरावना है। भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में सुपर स्पीड से पतन की ओर जा रहा है। हिजाब पहनना अन्य ड्रेस की तरह एक निजी पसंद का मामला है। पाकिस्तानी मंत्रियों के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी भी संस्थान के ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, डेकोरम, डिसीजन को सांप्रदायिक रंग देना भारत की समावेशी संस्कृति के खिलाफ साजिश है। नकवी ने ये भी कहा, अपने देश में अल्पसंख्यकों पर जुर्म एवं जुल्म का जंगल बन चुका पाकिस्तान हमें सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता पर ज्ञान दे रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकारों को बेदर्दी, बेशर्मी के साथ कुचला जा रहा है। गौरतलब है कि जनवरी में उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 छात्राओं के निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने पर उन्हें परिसर से बाहर जाने को कह दिया गया था, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और राज्य भर में प्रदर्शन हुए। इसके जवाब में हिंदू छात्र भी भगवा शॉल ओढ़कर विरोध करने लगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।